ये सेवा श्री सतनाम मंदिर तो 2016 तो आरंभ है। उसनों खुदा के नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश के नाल सिविल हॉस्पिटल से खाना 2016 तो जाना शुरू है। उस तो बाद कुछ स्कूल के बच्चे है तो चौंकड़े बच्चे जो पढ़ रहे जिससे वो 50-60 बच्चे वो है उन्होंने भी खाना दोपहर का इतों जाता है। कोरोना के दिनों जिस वेले हर व्यक्ति जोड़ा वा वो घर रहन का इच्छुक होंगे सी, लेकिन जिन्हें भी सेवादार आ 250-300 की संख्या के सेवादार ने घर घर जाके पिंड पिंड जाके वो लंगर वितरण किया, वो भी इस चीज़ का ही एक प्रमुख समझते हैं। ये जड़ी लंगर बनाउन दी सेवा है किन्नी देर तो चल रही है, मकसद की है और किन्ना नू लंगर दिता जाता है, कौड़े कड़े लोग सेवा करते हैं? जय श्री राम। ये सेवा श्री सतनाम मंदिर तो 2016 तो आरंभ है, लेकिन आज तो 75 साल इस मंदिर में बने हुए हैं। जी मंदिर के अंदर की लंगर की सुविधा सी वो पहला भी सी, लेकिन उसनू वधा के नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश के नाल सिविल हॉस्पिटल से खाना 2016 तो जाना शुरू है। उस तो बाद कुछ स्कूल के बच्चे है तो चौंकड़े बच्चे जो पढ़ रहे जितने वो 50-60 बच्चे वो है उन्होंने भी खाना दोपहर का इतों जाता है। जिन्हें भी तुम इतने सेवादार देखे है और सब्जी पैक करते रोटी बनाते मशीन लगी हुई है वो सारे सेवादार है आके मंदिर के सदस्य है आके सेवा करते हैं। इस तरीके हॉस्पिटल जाके कल्ले कल्ले बैड पर बड़े आदर सहित सारियां वंड के आते और सारियां मनदा सुकून सुकून भी मिलता है क्योंकि आप सेवा करते हैं और आप ही उसका देखते हैं भी जो सही यदा उपयोग हो रहा। किन्ने लोग शामिल होंगे ने इस प्रक्रिया के और कि अपना इस तो बाद मकसद इनू अगे वधाउण दा भी ਵਧਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15,000-20,000 ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। 15,000-20,000 ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, लेकिन जिन्हें भी सेवादार आ 250-300 की संख्या के सेवादार ने घर घर जाके पिंड पिंड जाके वो लंगर वितरण किया, वो भी इस चीज़ का ही एक प्रमुख समझते हैं भी अगर ये सेवा ना शुरू हुई होंगी तो करोना का लंगर की व्यवस्था की सेवा जी शायद ना हो सकती। अखीर एक समाजिक काम है, एक जन कल्याण का काम है, एक मनुखता जींदा रखने का काम है, की अपील की करते हो होर लोगों ने? अपील यो करते हैं भी इस वध हर एक बंदा आके शरीरक तौर पर सेवा बहुत सारे तुम देखे होने सारे रिटायर परसन है और जेडे भी घर जिन्हों का टाइम पास नहीं होंगे भी किसी भी गलते आके इतने मंदिर के डिस्पेंसरी भी चल रही है। इस तरह सारे ही सेवादार ही हैं, कोई भी पेड वर्कर जोड़ा वा वो इतने कोई भी नहीं गा, सिर्फ एक पेड वर्कर रखे जोड़ा मशीन सफाई कर रोटी पकाने टाइम घट लगता, मशीन साफ कर टाइम ज़्यादा लगता, जिन्हें भी हैं लेकिन इस आके अपना शरीरक सेवा जी आके दो। शरीरक सेवा के नाल ये होएगा कि उस व्यक्ति का सेवा करन दा अपना शरीर जरा निजी तौर पर है घर बड़े जगह पर ख्याल जाता भी मैं आ करा इतने सेवा त्याग करने के भगवान के अर्पित करके और जिसनों खाना जाता वह भी हो सकता दिलों शीस दिता हो शीस जी नज़र ना आने वाली है, इस करके शरीर हर का स्वस्थ रहना चाहिए। मेरा नाम शशिवाल है, मैं एक रिटायर टीचर हाँ। ये सेवा अपनी मर्जी तो साड़ी तो नहीं चलती, कह लो परमात्मा की मर्जी ना चल रही, वो इच्छा नाल सानू उन्हें बुलाया, बिना वो इच्छा तो नहीं हो सकता। आने असी डेली घरों एक खिच जी होंगी भी जाना उन्नी देर घर साडा टाइम नहीं पास होंगे,
आने बस है मेरे साथी है साथ नाल होर भी है जाए नहीं काफी साथी सारे खुश हो गए करी दी सेवा मतलब अच्छा लगता है इतना आके सू एक लेडीज लिए होंगे एक तो उन्हें सारी उम्र कितने ना कितने अपने घर के एक्सरसाइज की होंगी है अपने परिवार को पालना सिखाने की एक्सरसाइज एक बहुत बड़े परिवार की सेवा कर रहे हो कि महसूस कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है ये सेवा करके बड़ा अच्छा लग रहा है सानू एक एक तरह सा टाइम सही पास हो रहा सही पासे लग रहा है मतलब इदा नहीं लग रहा कि अभी टाइम वेस्ट कर रहे टाइम किल कर रहे हैं आके अच्छा लगता घरों आके जो आ रहे हैं टाइम कड के कुछ सू लिया रहा तो मतलब अच्छे पास लगा रहे हैं त्रिंबक मोहन बाली रिटायर्ड प्रिंसिपल एम डी एस जी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कपूरथला ते मेरी टीम महामाई की कृपा दे नाल इस दे विच रिटायर्ड एस डी ओ पी एन टी दफ्तर के इंपलाइज जिहड़े रिटायर्ड हो चुके हैं इस सेवा दे विच करीब 6 साल तो काम कर रहे हैं ये महामाई की कृपा है कि सानू ये मौका मिलया है असी सारिया ने मानवता की सेवा वास्ते करीब 250 के करीब असी लंगर जिहड़ा हैगा वह सिविल हॉस्पिटल कपूरथला दे विच लैके जाने हैं ते करीब 100 बच्चों वास्ते आर्या समाज मंदिर दे विच जिथे कि झुग्गी झोंपड़ियाँ के बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने लिए मंदिर वालों ये लंगर तैयार किया जाता है और लैके जाया जाता है 365 दिन ही असी ये लंगर की सेवा मंदिर वालों करके भी मरीजों उन्होंने नाल के परिवारों को लंगर मिलता कि वधिया वा जिदा किसी वेले वेला कवेला भी घर गया हो जाता वा तो फिर वधिया इत्थे रोटी मिल जाती है हाँ जी काम होर होने चाहिए हाँ जी वधिया वा इत्थे सहायता होंदी है क्योंकि कई बार ऐसे दे हालात होंगे मगर कोई रोटी लेके नहीं आता कई बार दूर होंगे जिदा हम अस इन दिन हो गया आया 5 दिन हो गया अस इथो रोटी पानी जिदा जिहड़ा आंदा वा कुछ सानू मजबूरी नू मुल भी लैनी पैंदी है बहुत वधिया धन्नवाद भी ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ